मोहतरमा आलिया सलीम साहबा, अजीज़ फाउंडेशन, फिर फ्ला फाउंडेशन, अमीन मकतब, रोशनी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डिप्टी डायरेक्टर साहबा भी आई हैं, पेरेंट्स और बाकी मुख्तलिफ अदारों से आए हुए मेहमान और बेहद प्यारे बच्चे जो खुसूसी बच्चे हैं, जो खुसूसी अफराद हैं। पहले तो मैं माजरत करूँगा कि मुझे ताखीर हुई। मैंने वैसे मोहतरमा आलिया से कहा था कि मैं 3 बजे के लगभग आ सकूँगा, तो आपकी खुशी में शरीक होना मैं समझता हूँ कि ये फ़र्ज है। बस हम कुछ मनसब के तकाजे ऐसे होते हैं कि मुख्तलिफ दफ्तरी और दूसरे अमूर में मैं मसरूफ रहा, लेकिन यहाँ आकर वाकई ये महसूस होता है कि अगर मैं यहाँ ना आता तो एक बड़ी खुशी से मुझे बैठता। किस तरह ये बच्चे और जो दूसरे बड़े भी इनमें शामिल हैं वो अपनी ज़िंदगी में कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं, छोटी छोटी खुशियों की तलाश में उनको कितनी जहनी और जिस्मानी मशक्क़त से गुजरना पड़ता है। ये एक खातून जो यहाँ से उठना उनके लिए कितना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। तो ये वो लोग हैं जो दरअसल हमारी मोहब्बत की तलाश में रहते हैं। कोई शख्स हो जो उनका हाथ पकड़े, उनको खड़ा करे, उनको चलना सिखाए और उनको फिर किसी अच्छी मंजिल पर लेके जाए। जो लोग ये काम करते हैं वो मैं समझता हूँ इतहाई मुबारक बात के मुस्तहिक हैं। उनको कोई इनाम नहीं दिया जा सकता इस दुनिया में, उनका असल इनाम अल्लाह के पास है, जिसकी रज़ा के लिए वो ये काम करते हैं। पंजाब वेलफेयर ट्रस्ट फॉर डिसेबल, फाउंडेशन हाउस, बहुत से अदारों से मैं मुंसलिक हूँ। मुझे यही है कि जिन बच्चों को माँ बाप भी बाज़ात तवज्जो नहीं दे पाते, उनको स्कूल में स्पेशल बच्चों के इन या स्पेशल अफराद के इन अदारों में लाकर उनको तवज्जो देना, उनकी बातों को सुनना, हम्बल बर्दाश्त, ये कितना बड़ा काम है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हमें सबसे पहले इन सब के लिए तालियां बजानी चाहिए। मैं इस मौके पर वालदैन को भी उनकी जिम्मेदारियाँ ज़ाहिर है उससे आगाह है, लेकिन मैं मज़ीद आगाह करना चाहूँगा कि ये असल इम्तिहान तो आपका है। वालदैन, बहन भाई, रिश्तेदार, महल्ले के लोग, ये बच्चे जो लोग हैं हम इनको नज़रअंदाज न करें। देखिए ये कुदरत का एक इत्तेफाक है, ये इंसान के जिस्म में करोड़ों खुलिए होते हैं, एक छोटा सा जीन इधर से उधर हो जाए, जेनेटिक डिफेक्ट मामूली सा, तो इनकी जगह हम भी हो सकते हैं। तो हमें ये एहसास रखना चाहिए कि हम ऐसे नहीं, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनका हाथ पर उठाएं। तो वालिदैन को चाहिए कि अपने दूसरे बच्चों को जो माशाल्लाह एबल बॉडीड हैं उनके दिल में पहले दिन से ये मोहब्बत डालें इनके लिए, और फिर हम इनको उल्टे सीधे नामों से ना पुकारें। ये कुदरत का हसीन तोहफा है, तो शायद ये कुदरत ने हमें इसलिए इसे तोहफा दिया कि वो देखना चाहता है कि हम उसके इस तोहफे की कितनी कदर मंजर करते हैं। तो ये समाजी जिम्मेदारी भी है, दीनी जिम्मेदारी भी है, अखलाकी जिम्मेदारी भी है।